चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 24 है फाइव कॉस क्यूब एक्स प्लस सिक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन टू साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स डी एक्स इसकी देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे तो देखो कैसे होगा तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले हम इसको अलग अलग करेंगे फाइव कॉस क्यूब एक्स अपॉन टू साइन केयर एक्स इंटू कॉस केयर एक्स प्लस अब इसको इसके नीचे सिक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन टू साइन केयर एक्स इंटू कोस केर एक्स डी एक्स अब देखो ये कॉस केयर एक्स और ये क्यूब कैंसर ये साइंस केयर एक्स और क्यूब कैंसर ये टू और सिक्स कैंसर नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे ये फाइव अपॉन टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ बचेगा कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे है साइंस केयर एक्स तो मैं देखो इसको तोड़ के लिखूंगा ये टू था ये फाइव अपॉइन्ट टू बाहर आया देखो यहाँ पे साइन स्केयर एक्स है ना तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स ठीक है और मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दूँगा यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा अब देखो यहाँ पे थ्री बाहर यहाँ बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस केयर एक्स को देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स यहाँ पे कॉस केयर एक्स था ना तो मैंने इसको तोड़ दिया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा ये हो जाएगा फाइव अपॉन टू कॉस बाय साइन क्या होता है कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स और देखो यहाँ पे बचा साइन एक्स मतलब ये वन अपॉन साइन एक्स हो गया ये हो गया ना वन अपॉन साइन एक्स वन बाय साइन एक्स क्या होता है कोसेक एक्स डीएक्स अब देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस क्या होगा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स तो ये हो गया वन अपॉन कॉस एक्स वन अपॉन कॉस एक्स होता है sec x, dx. सेक एक्स डीएक्स अब मैंने ये आपको फॉर्मूले बताए थे ना कॉटेक्स कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेक एक्स या फर्स्ट एक्साइज में देखना मैंने फॉमले लिखाए थे और टेन एक्सक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है टेन एक्स एक एक्स की इंटीग्रेशन होती है सेक एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ है हमारे पास इंटीग्रल tan एक्स प्लस कॉट एक्स का होल स्केयर डी एक्स इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे सबसे पहले यहां लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्केयर तो क्या आएगा ए स्केयर टेन स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर कोट स्केयर एक्स प्लस टू ए बी ये बनेगा टू टैन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो एक चीज याद रखना टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती क्या टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती तो टैन स्केयर एक्स का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो कौन सा फॉर्मूला वन प्लस टैन स्केर एक्स क्या होता है सिक्स स्यर एक्स तो टैंस केयर एक्स क्या आ जाएगा सिक्स स्यर एक्स माइनस वन ठीक है तो टैंस केयर एक्स की जगह लिख रहा हूँ सिक्स स्यर एक्स माइनस वन प्लस इसी तरह कॉड्स केयर एक्स की भी इंटीग्रेशन नहीं होती तो हम क्या करेंगे कॉड्स केयर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉट स्केयर एक्स इक्वल टू कोसिक्स स्केयर एक्स तो कॉट स्केर एक्स क्या हो जाएगा कोसिक्स स्केयर एक्स माइनस वन तो यहाँ अप्लाई करेंगे कोसिक्स स्केयर एक्स माइनस वन ठीक है प्लस टू टैन एक्स अब देखो कॉट एक्स जो होता है ना कॉट एक्स होता है वन अपॉन टैन एक्स कॉट एक्स क्या होता है वन अपॉन टेन एक्स तो ये टेन एक्स और ये टेन एक्स कैंसिल तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा सिक्स के एक्स पहले मैं ये लिखा अब मैं ये लिख रहा हूँ प्लस को सिक्स के एक्स माइनस वन और माइनस वन माइनस वन और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस ये वाला टू डी एक्स ये माइनस टू और ये माइनस टू कैंसिल अब देखो हम इसको अलग अलग करेंगे ये बनेगा सिक्स केयर एक्स प्लस डी एक्स प्लस को सिक्स केयर एक्स डी एक्स अब देखो सिक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सिक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स और कौ ये कौ एक्सकेयर एक्स था को सर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है हमारे पास इंटीग्रल वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्केयर एक्स ठीक है और वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस केयर एक्स तो हम यहां अप्लाई करते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू साइंस केयर एक्स और वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू कॉस केयर एक्स डी एक्स अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल ये बना साइन अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है साइन बाय कॉस होता है टैन तो ये हो जाएगा टैन स्केयर एक्स डी एक्स अब देखो मैंने आपको बताया था ना टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती तो उसके लिए क्या करेंगे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना वन प्लस टैन स्केयर एक्स इक्वल टू सीकेंकेर एक्स तो यहाँ से टैन स्केयर एक्स क्या आ जाएगा सीकन स्केयर एक्स माइनस वन तो ये बनेगा सीकें स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसको अलग अलग करेंगे ये आ जाएगा इंटीग्रल सेक्स केयर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल वन इंटू डी एक्स डी एक्स अब देखो सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सेक्स स्र के एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस और इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो पीछे क्या रह जाएगा एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है हमारे पास इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस डी एक्स या इसी इंटीग्रल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स अब देखो मैं ये इंटीग्रल लूंगा तो पहले मैं इसको इस फॉर्म में लाऊंगा तो देखो कैसे सबसे पहले मैं ये वाला इंटीग्रल ले रहा हूँ कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अब देखो कॉट एक्स किसके इक्वल होता है कॉट एक्स होता है ना हमारे पास कॉट एक्स होता है हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होता है कोसेक एक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स तो मैं ये दोनों फॉर्मले यहाँ यूज करूँगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास तो देखो यहाँ पे मैं कॉट एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ काट एक्स की जगह लिख रहा हूँ कॉसक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन और कॉशेकस की जगह लिख रहा हूँ वन बाय साइन एक्स माइनस कॉटक्स ये कॉसक एक्स की जगह वन बाय साइन एक्स अब कॉटक्स की जगह कॉस एक्स बाय साइन एक्स अब आप इसका एल्सीय ले लो ये सेम लिखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और यहाँ एल्सीम लो एल्सीयम सेम आ जाएगा साइन एक्स और क्या बचेगा वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स ये और ये कैंसल देखो कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स यही है ना तो आगे देखो कैसे करेंगे ये बन जाएगा आई इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे क्या करेंगे रैशनलाइज अब देखो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे इसको मैं लिखूंगा कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स इंटू वन प्लस देखो रैशनाइज कैसे करते हैं आपको ना सिर्फ ये जो बीच वाला साइन होता है ना ये चेंज करना होता है जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस बाकी सारा सेम वन प्लस कॉस एक्स और डिवाइड में भी यही लिखना है वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा ये ऊपर जो कॉस एक्स है ना हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा कॉस एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा कॉस्केयर एक्स और यहां देखो क्या बन रहा है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है यहां लिखता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये होता है ए स्केयर माइनस बी तो ए है वन वन का स्केयर माइनस बी स्केयर बी हो जाएगा कॉस्केयर एक्स अब देखो ये बन रहा है वन का स्केयर माइनस कॉस केयर एक्स तो व, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना साइंस केयर एक्स प्लस कॉस केयर एक्स क्या होता है वन के इक्वल तो ये कॉस को उधर ले जाओ तो साइंस केयर एक्स क्या हो जाता है वन माइनस कॉस केयर एक्स तो देखो क्या, हो क्या हो करेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस केयर एक्स अपॉन वन ये वन का स्केयर तो वन ही हो जाएगा ना तो ये बनेगा वन माइनस कॉस्केयर एक्स वो क्या होता है साइंस केयर एक्स डीएक्स नेक्स्ट अब देखो क्या करेंगे इनको अलग अलग करेंगे कॉस एक्स अपॉन साइंस केयर एक्स प्लस कॉस केयर एक्स अपॉन साइंस केयर एक्स डीएक्स अब देखो ये बन रहा है हमारे पास इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे है साइन स्केर एक्स तो साइन केयर एक्स को मैं ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स तो देखो कॉस बाय साइन क्या हो जाता है कॉस अपॉन साइन होता है कॉट एक्स डॉट और यहाँ पे साइन एक्स बचा मतलब वन अपॉन साइन एक्स तो वन बाय साइन क्या होता है कोसेक एक्स और इसको इंटीग्रेशन भी अलग से दे देते हैं अब देखो यहां पे है कॉस बाय साइन कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट कॉट स्केर एक्स डी एक्स अब देखो कॉट एक्स कोसेक एक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है ये हमने फर्स्ट एक्साइज में फॉर्मूला पढ़ा था ना क्या होती है इसकी माइनस कोसेक एक एक्स ठीक है अब देखो मैंने बताया था कॉट स्केर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती तो आपने क्या करना है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना वन प्लस कॉड्स केयर एक्स इक्वल टू कोसेक्स केयर एक्स ये होता है तो यहाँ से कोड स्केर एक्स क्या हो जाएगा वन को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा कोसेक्स केयर एक्स माइनस वन तो कॉड स्केयर एक्स क्या होता है कोसेक्स केयर एक्स कॉड्स केयर एक्स होता है कोसिक्स केयर एक्स माइनस वन तो ये आ जाएगा कोसिक्स केयर एक्स माइनस वन अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स देखो कोसेक स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है कोसेक स्केर एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और ये देखो ये क्या बनेगा माइनस ऐसे बनेगा ना माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स तो एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है हमारे पास कॉस केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस लिखा है ये कॉस कॉस फोर एक्स इसकी करनी है इंटीग्रेशन तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखता हूँ कॉस केयर एक्स माइनस साइंस केयर एक्स का फॉर्मूला होता है यह आपने एलेवंथ में पढ़ा था इसका फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स ठीक है उसके बाद वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस एक्स लेकिन हमें चाहिए किसका वन प्लस फोर एक्स का तो देखो जब यहाँ पे टू एक्स था तो टू एक्स का हाफ कितना होता है एक्स यहाँ आ गया एक्स इसी तरह फोर एक्स का हाफ क्या होगा फोर एक्स का हाफ होता है टू एक्स तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स देखो यहाँ पे टू एक्स का हाफ एक्स और फोर एक्स का हाफ टू एक्स बाकी फॉर्मूला सारा सेम ठीक है अब ये वैल्यूज हम इसमें डालेंगे ये बनेगा इंटीग्रल कॉस के एक्स माइनस साइन स्केर एक्स का फॉर्मूला कॉस टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉस फोर एक्स का फॉर्मूला टू कॉस केयर टू एक्स डी एक्स अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये हो जाएगा कॉस टू एक्स अपॉन देखो मैं इसको ना दोनों को अंडर रूट अलग से दूंगा मतलब टू को अलग से कॉस को अलग से ये देखो अंडर रूट टू और कॉस को अलग से कॉस स्केयर टू एक्स डी एक्स ठीक है ये स्केयर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा अब ये रूट टू है ना इसको बाहर निकाल लेते हैं ये कॉन्स्टेंट है तो बाहर आके वन बाई रूट टू यहाँ बचेगा कॉस टू एक्स अपॉन कॉस टू एक्स डी एक्स ये और ये कैंसिल अब हमें करनी है डी एक्स की इंटीग्रेशन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन दिया है हमारे पास वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स इसकी करनी हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे इसको हम करेंगे रैशनाइज क्या करेंगे रैशलाइज तो देखो रैशलाइज करके क्या बनेगा वन माइनस कॉस एक्स को रैशलाइज कैसे करना है सेम लिखना है आपको साइन चेंज करना है माइनस का प्लस तो ये बनेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन ये देखो ये क्या बन रहा है ये बन रहा है ना हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये हो जाएगा वन का स्केयर माइनस कॉस स्केयर एक्स ठीक है अब देखो वन माइनस कॉस स्केयर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस एक्स होता है साइंस केयर एक्स ठीक है ये कैसे आया हमारे पास फॉर्मूला होता है ना साइंस केयर एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू वन तो इस कॉस को उधर ले जाओ तो साइंस केयर एक्स आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स अब देखो ये वन का स्केयर वन ही होता है ना तो बनेगा वन माइनस कॉस एक्स वो होता है साइंस एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करो इसको अलग अलग करो इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे ये बनेगा वन अपॉन साइंस केयर एक्स प्लस इसको इसके नीचे कोस एक्स अपॉन साइंस केयर एक्स डी एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा वन बाय साइन क्या हो जाएगा वन बाय साइन होता है कोसएक्स केयर एक्स देखो यहाँ पे वन अपॉन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स तो यहाँ पे था वन बाय साइन स्केयर एक्स तो यहाँ हो जाएगा कोसेक्स केयर एक्स ठीक है अब यहाँ देखो साइन स्केर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना ऐसा तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉस बाय साइन होता है कॉट मैं इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर रहा हूँ यहाँ यह बनेगा कॉट एक्स और यहाँ बचा वन बाय साइन देखो वन बाय साइन अभी बताया वन बाय साइन कोसक एक्स डी एक्स कु एक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है कुसेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और कॉट एक्स कोसेक एक एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी है हमारे पास इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स डीएक्स इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे इसको भी हम करेंगे रैशलाइज क्या करेंगे रैशलाइज देखो रैशलाइज कैसे करना है सिर्फ माइनस का साइन चेंज करना है माइनस का साइन हो जाएगा प्लस वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा ये ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन देखो ये क्या बन रहा है a माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो वो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये बन जाएगा वन का स्केयर माइनस साइन का स्केयर ठीक है ये है वन का स्केयर तो वन का स्केयर वन हो जाएगा तो वन माइनस साइन स्केयर एक्स क्या होता है कॉ स्केयर एक्स कैसे साइंस केयर एक्स प्लस कॉस केयर एक्स वन होता है ना तो मैंने क्या किया इस साइन को मैं इधर ले गया तो ये आ जाएगा कॉस्केयर एक्स तो ये बनेगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइंस केयर एक्स क्या बताया कॉस केयर एक्स डी एक्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इनको अलग अलग करेंगे ये बनेगा वन अपॉन कॉस्केयर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस केयर एक्स इनको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे देते हैं देखो मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दी अब देखो वन बाय कॉस क्या होता है वन बाय कॉस होता है सेक सेक्स स्केयर एक्स टी एक्स वन बाय कॉस एक्स होता है हमारे पास सेक एक्स अब देखो ये क्या बन रहा है साइन एक्स अपॉन ये कॉस कॉस्केयर एक्स है ना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स कॉस केयर एक्स को तो देखो साइन बाय कॉस क्या होता है टैन एक्स और यहाँ बचा वन बाय कॉस वन बाय कॉस तो मैंने अभी बताया वन बाय कॉस सेक एक्स अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स और टैन एक्सक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी है हमारे पास इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स डी एक्स इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे इसको भी हम करेंगे रैशनाइज क्या करेंगे रैशलाइज देखो रैशनाइज कैसे करना है सिर्फ माइनस का साइन चेंज करना है माइनस का साइन हो जाएगा प्लस वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डे एक्स अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा ये ये इससे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन देखो ये क्या बन रहा है ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो वो होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये बन जाएगा वन का स्केयर माइनस साइन का स्केयर ठीक है ये है वन का स्केयर तो वन का स्केयर वन हो जाएगा तो वन माइनस साइंस केयर एक्स क्या होता है कॉस केयर एक्स कैसे साइंस केयर एक्स प्लस कॉस्केयर एक्स वन होता है ना तो मैंने क्या किया इस साइन को मैं इधर ले गया तो ये आ जाएगा कॉस केयर एक्स तो ये बनेगा वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन स्केयर एक्स क्या बताया कॉस केयर एक्स डी एक्स अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इनको अलग अलग करेंगे ये बनेगा वन अपॉन कॉस्केयर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस केयर एक्स इनको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे देते हैं देखो मैंने इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे दी अब देखो वन बाय कॉस क्या होता है वन बाय कॉस होता है सेक सेक्स केयर एक्स टी एक्स वन बाय कॉस एक्स होता है हमारे पास सेक एक्स अब देखो ये क्या बन रहा है साइन एक्स अपॉन ये कॉस केयर एक्स है ना इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स कॉस केयर एक्स को तो देखो साइन बाय कॉस क्या होता है टेन एक्स और यहां बचा वन बाय कॉस वन बाय कॉस तो मैंने अभी बताया वन बाय कॉस सेक एक्स अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो की tan x और x एक्स एक्स की इंटीग्रेशन सेक, सेक एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है हमारे पास इंटीग्रल टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे टैन एक्स क्या होता है टैन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यही होता है ना फिर सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स होता है वन बाय कॉस एक्स टैन एक्स क्या होता है टैन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम इसका एल्शियम लेंगे यह बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लो एल्सीय इसका देखो एल्सीयम तो सेम ही आ जाएगा कॉस एक्स और यहाँ भी सेम आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स डी एक्स नेक्स्ट देखो क्या होगा ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कैंसिल तो क्या रह गया हमारे पास साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स यही रह गया ना अब देखो इसको ना मैं करूंगा रैशनलाइज क्या करूंगा रैशलाइज तो रैशनलाइज कैसे करते हैं वन प्लस साइन एक्स का साइन चेंज करेंगे प्लस की जगह माइनस अपॉन वन माइनस साइन एक्स डी एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसको इससे मल्टीप्लाई ये हो जाएगा साइन एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस साइंस केयर एक्स अपॉन देखो ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइंस केयर एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो वन का स्केयर तो वन ही हो जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइंस केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इक्वल टू क्या होता है वन तो हमें चाहिए वन माइनस साइंस केयर एक्स की वैल्यू तो साइन को उधर ले जाओ कॉस्केयर एक्स इक्वल टू वन माइनस साइंस केयर एक्स तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइंस केयर एक्स अपॉन वन माइनस साइंस स्केयर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस केयर एक्स डी एक्स अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस केयर एक्स माइनस इसको इसके नीचे साइन स्केयर एक्स अपॉन कॉस केयर एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे यहां पे है ना साइन एक्स कॉस केयर एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना ऐसा तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टैन एक्स और यहाँ बचा वन बाय कॉस वन बाय कॉस हो जाएगा सेक एक्स माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है साइन बाय कॉस होता है टैंस केयर एक्स ठीक है अब देखो टैंस केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती तो उसके लिए क्या करेंगे टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती ना तो हम क्या करेंगे हमारे पास वन प्लस टैन स्केयर एक्स का फॉर्मूला होता है सिक्स स्यर एक्स तो टैन स्केयर एक्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा सिक्स केयर एक्स माइनस वन तो यहाँ आ जाएगा सिक्स केयर एक्स माइनस वन डी एक्स अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग ले देते हैं ये बन जाएगा टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस सिक्स स्केर एक्स डी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस ये बनेगा ना प्लस वन डी एक्स वन डी एक्स क्या हो जाएगा डी एक्स टैन एक्स एक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सेक एक्स सेक्स स्केर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स और इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी टू दिया हमारे पास इंटीग्रल कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे कोसेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है कोसेक एक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है वन बाय साइन एक्स और कॉट एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे ऊपर तो सेम ही आएगा यहां एलसीएम लेंगे वन अपॉन साइन एक्स अपॉन इन दोनों का एल्शियम साइन एक्स ये बचेगा वन माइनस ऊपर से मा आ जाएगा वन माइनस कॉस एक्स टी एक्स अब देखो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल तो ये बचा वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे रैशलाइस तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस कॉस एक्स रैशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स तो ये आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन ये देखो क्या बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्क्र तो ये बन जाएगा वन का स्केयर माइनस कॉस्केयर एक्स अब देखो ये बन रहा है ना वन माइनस कॉस केयर एक्स वन माइनस कॉस केयर एक्स होता है साइंस केयर एक्स डीएक्स अब हम इसको करेंगे अलग अलग तो ये आ जाएगा वन अपॉन साइंस स्केर एक्स और इसको इसके नीचे कॉस एक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स डी एक्स इनको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे देते हैं अब देखो वन बाय साइन क्या होता है वन बाय साइन होता है कॉस एक्स स्केयर एक्स डी एक्स अब यहाँ पे देखो ऐसा है ना कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे दो साइन है ना तो मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ साइन एक्स डॉट साइन एक्स तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट एक्स और यहाँ बचा एक साइन एक्स तो ये बना वन अपॉन साइन एक्स वन बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स अब देखो कोसेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स और कॉटक्स कोसेक एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री और थर्टी फोर में एक साथ करा रहा हूं ये दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है इंटीग्रल वन अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स तो देखो वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कॉस केर एक्स क्या होता है टू कॉस केयर एक्स तो ये आ जाएगा वन बाय टू कॉस केयर एक्स डी एक्स अब ये वन बाय टू बाहर निकाल लो ये बनेगा इंटीग्रल वन बाय कॉस क्या होता है वन बाय कॉस होता है सेक तो ये बन जाएगा सेक्स केयर एक्स डी एक्स और सेक एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सेक सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन सेक्स स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स तो ये आ जाएगा इसका आंसर इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखो वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्केयर एक्स तो ये बन जाएगा वन अपॉन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर था इंटीग्रल वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स अब देखो वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू साइंस केयर एक्स ठीक है ये साइंस केयर लिखा है मैंने वन बाय टू बाहर निकाल लो तो पीछे बचा वन बाय साइन वन बाय साइन क्या होता है कोसेक्स केयर एक्स वन बाय साइन स्केयर एक्स हो जाएगा एक्स केयर एक्स और कोस एक्सकेयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट एक्स प्लस सी माइनस मैंने पहले लिख दिया ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थ दिया हमारे पास इंटीग्रल टैन इनवर्स साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे साइन टू एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स ठीक है और एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वन प्लस कॉस टू एक्स का वो होता है टू कॉस केयर एक्स ठीक है तो देखो ये बनेगा हमारे पास टैन इनवर्स साइन टू एक्स साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स यह आ जाएगा टू साइन एक्स अपॉ इन टू कॉस एक्स फिर देखो यहाँ पे क्या है? वन प्लस कॉस टू एक्स तो वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू कॉस के रेक्स डी एक्स ठीक है ये टू और ये टू कैंसिल ये कॉस और ये कॉस कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे यहाँ बचेगा tan इनवर्स यहाँ देखो बचा साइन एक्स और एक बचा कॉस एक्स तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स यही होता है ना तो ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो tan इनवर्स और tan तो कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा एक्स डी एक्स और एक्स की इंटीग्रेशन देखो एक्स की पावर वन है तो एक्स एन वाला फॉर्मूला क्या होता है एक्स रेस्टूपार एन का फॉर्मूला एक्स रेस्टूपार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो यहां पे वन है ना तो वन प्लस वन टू एक्स टू अपॉन टू प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स दिया हमारे पास इंटीग्रल कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स अब देखो यहां पे है कॉस इनवर्स साइन एक्स डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये जो साइन एक्स दिख रहा है ना इस साइन एक्स को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे वो कैसे देखो आपने इलेवंथ क्लास में साइन एक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कॉस नाइन्टी माइनस थीटा मतलब टेंथ में भी पढ़ा वैसे कॉस नाइन्टी माइनस थीटा को क्या कहते हैं साइन एक्स तो कॉस पा बाय टू माइनस एक्स को हम क्या लिखेंगे साइन एक्स तो देखो कॉस इनवर्स साइन एक्स की जगह क्या लिखना है कॉस पा बाय टू माइनस एक्स डी एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा पाए बाय टू माइनस एक्स डी एक्स अब हम इसको अलग अलग करेंगे देखो कैसे ये कॉन्स्टेंट है ना पाए बाय टू ये बाहर इंटीग्रेशन हो जाएगी यहाँ पे डीएक्स की फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अब देखो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा एक्स माइनस और यहाँ पे एक्स रेस्ट पर वन तो एक्स रेस्ट पर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स रेस्ट पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन वन प्लस वन टू वन प्लस वन टू एक्स टू अपॉन टू प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन है हमारे पास इंटीग्रल कॉट इनवर्स साइन टू एक्स अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स अब देखो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इन कॉस एक्स ठीक है इसी तरह वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन केयर एक्स तो देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूले अप्लाई करूँगा कॉट इनवर्स देखो साइन टू एक्स है ना साइन टू एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन और वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू साइंस के एक्स डी एक्स अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल ये साइन और ये साइन कैंसिल तो क्या बचेगा यहां पे? यहां बच जाएगा कॉट इनवर्स देखो यहां बचा कॉस बाय साइन क्या बचा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट एक्स तो ये आ जाएगा कॉट एक्स डी एक्स ठीक है अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल क्या बचेगा x dx अब x की पावर वन है तो x एक्स टू पर n की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स रेस्ट पर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो ये हो जाएगा x एक्स टू पर वन n की जगह वन डालेंगे वन प्लस वन टू एक्स टू अपॉन वन प्लस वन टू एक्स टू अपॉन टू प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट दिया हमारे पास इंटीग्रल साइन इन टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्केयर एक्स डी एक्स इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन तो देखो कैसे करेंगे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्केयर एक्स ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन टू एक्स का किसका फॉर्मूला है साइन टू एक्स का तो ये बनेगा साइन इनवर्स अब देखो टू टैन एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्केर एक्स किसके इक्वल एक है साइन टू एक्स के तो ये बनेगा साइन टू एक्स डी एक्स अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल क्या बचेगा टू एक्स यहां पे टू बाहर आ जाएगा अब हमें करनी है इसकी इंटीग्रेशन ये है एक्स रेस्टू पर वन एक्स रेज पर एन का फॉर्मूला एक्स रेस्टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो क्या बन जाएगा टू एक्स रेज पर वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन टू तो आंसर आ गया एक्स स्केयर प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन दिया हुआ है हमारे पास इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस एट इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्केर माइनस टू एक्स प्लस फोर डी एक्स अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहला स्टेप इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स क्यूब और एट को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ टू का क्यूब लिख सकते हैं ना ऐसा और बाकी सारे बाकी सारा सेम लिख दो देखो बाकी सारा सेम लिख रहा हूँ मैं ठीक है अब देखो हमें यह भी पता है ना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर यह तो पता है ना अच्छा अब यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं देखो ये बन रहा है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब अब ध्यान रखना ए है एक्स ए है एक्स और बी है टू ठीक है तो यहां डालो सबसे पहले ए है x प्लस बी है टू फिर है a का स्केयर a है x x का स्केयर x माइनस ए बी ए क्या x और b है टू तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा टू एक्स प्लस b का स्केयर b देखो क्या टू टू का स्केयर फोर और फिर ये वाला x माइनस वन अपॉन यही सेम लिखना है एक्स स्क्र माइनस टू एक्स प्लस फोर अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल अब कुछ भी नहीं करना ये जो दो टर्म्स बची हैं इनको मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट कर दो इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्र इसको इससे माइनस एक्स इसको इससे प्लस टू एक्स और इसको इससे माइनस टू अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्यर माइनस एक्स प्लस टू एक्स कितना हो गया एक्स माइनस टू डी एक्स अब इसकी इंटीग्रेशन करो इसको अलग अलग कर लो ये बन जाएगा एक्स स्यर डी एक्स ये बन जाएगा एक्स डी एक्स माइनस टू बाहर ये बन जाएगा डी एक्स ठीक है अब देखो यहाँ पे लगाओ एक्स रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स रेस्ट पर n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन तो इसकी क्या होगी एक्स रेस्ट पर टू टू प्लस वन थ्री अपॉन टू प्लस वन थ्री प्लस यहाँ x की पावर वन तो कितना आ जाएगा वन प्लस वन टू वन प्लस वन टू इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो क्या रहता था एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी दिया हमारे पास इंटीग्रल ए टैन एक्स प्लस बी कॉट एक्स का होल स्क्वायर अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यहां पे मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा ए ए स्केयर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं देखो इसका स्क्वायर करना है ना ए स्केयर टैन स्केयर एक्स ये बना ए स्केयर प्लस बी स्केयर अब इसका स्केयर करो तो क्या आ जाएगा बी स्केयर कॉट स्केयर एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा टू ए बी टेन एक्स कॉट एक्स डी एक्स ठीक है ये आ गया यहां तक अब देखो आगे क्या करेंगे मैंने तो बताया था ना टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती तो टैंस् स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए इसको सेक में चेंज करना पड़ेगा कैसे देखो वन प्लस टैन स्केयर एक्स का फॉर्मूला होता है ना सेक्स स्केयर एक्स ठीक है तो हमें चाहिए टैन स्केयर एक्स तो ये वन उठा के इस तरफ ले जाओ तो टैन स्केयर एक्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा सेक्स स् केर माइनस वन प्लस बी इसी तरह कॉट्स स्केर एक्स का कॉट्स स्केयर एक्स की भी इंटीग्रेशन नहीं होती तो कॉट्स स्केयर एक्स को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट्स स्केयर एक्स का भी फॉर्मूला क्या होता है कोसेक्स स्केयर एक्स माइनस वन कोसेक्स स्केयर एक्स माइनस वन ठीक है अच्छा प्लस टू ए बी अब देखो कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है यहां लिख रहा हूँ कॉट एक्स होता है वन अपॉन टेन एक्स ये मैंने tan लिखा है ठीक है क्या लिखा One by, uh, tan वन बाय टैन एक्स देखो cot x क्या होता है वन अपॉन टेन एक्स ये tan x और ये tan x कैंसिल नेक्स्ट स्टेप क्या करो इसको इससे मल्टीप्लाई ए स्केयर सिक्स केयर एक्स माइनस ए स्केयर अब इसको इससे बी स्केयर को सिक्स स्केयर एक्स माइनस बी स्केयर प्लस टू ए बी डी एक्स ठीक है अब क्या करो इसको पहले लिखते हैं ए स्केर बाहर इंटीग्रेशन सेक्स स्केर एक्स डी एक्स अब ये वाला लिख रहा हूँ बी स्केयर बाहर क्या बचा कोस एक्स केयर एक्स डी एक्स ठीक है अब हमारे पास तीन टर्म्स बची हैं एक ये एक ये और एक ये ये मैं इकट्ठे करके लिख रहा हूँ माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस टू ए बी ठीक है और देखो ये तीनों कांस्टेंट है ना ये मैंने तीनों बाहर निकाल दी इसको एक ब्रेकेट बंद करते हैं और यहाँ लिख देते हैं प्लस ये मैंने तीनों बाहर निकाल दिए तो इनका क्या बचेगा डी ठीक है देखो ये तीनों कॉन्सटेंट थे ना तो तीनों को मैंने इकट्ठे करके ये बाहर निकाल दिया और अंदर बचेगा इनका डी तो सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स ये सॉरी ए स्केयर था ए स्केयर ए स्केयर सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स को सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स तभी मैंने माइनस पहले लिख दिया और डीएक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी डीएक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स प्लस सी तो ये इसका आ जाएगा आंसर अगर आंसर निकालना है तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो देखो मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से माइनस निकाला कॉमन तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और यहाँ माइनस आ जाएगा ये इसका कंप्लीट आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है हमारे पास इंटीग्रल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स केयर प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन एक्स इंटू ए एक्स अपॉन टू एक्स डी एक्स अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहले ये जो टू है ना ये बाहर निकाल लो वन बाय टू बाहर आ जाएगा अब क्या करो एक्स क्यूब के नीचे एक्स एक्सकेयर लिख दो सब के नीचे एक्सकेयर लिखते जाओ ठीक है फिर इसके नीचे एक्स एक्सकेयर लिख दो थ्री एक्स स्केयर अपॉन एक्सकेयर अब फाइव एक्स के नीचे लिख दो एक्सकेयर माइनस सेवन अपॉन एक्स स्केयर अब इसके नीचे एक्स स्केयर ए एक्स अपॉन एक्स स्केयर डी एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करो ये और ये कैंसल सबको अलग से ना इंटीग्रेशन भी देते जाओ मतलब इंटीग्रेशन सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएगा इंटीग्रल एक्स डीएक्स ये और ये कैंसल यहाँ बचेगा माइनस थ्री बाहर देखो यहाँ बनेगा इंटीग्रल डीएक्स ये एक्स और ये एक्स कैंसिल फाइव बाहर क्या बचेगा वन बाई एक्स डी एक्स सेवन बाहर इंटीग्रल इसको ऊपर ले जाओ देखो यहाँ पे है वन बाय एक्स स्केयर ये ऊपर जाके आएगा एक्स माइनस टू डी एक्स ये एक्स स्यर और एक्स स्केयर कैंसिल यहाँ बचेगा ए रेस्टू पर एक्स डी एक्स अब इसकी करो इंटीग्रेशन ये है एक्स रेस्ट पर वन एक्स रेस्ट पर वन की क्या होती है एन प्लस वन वाला फॉर्मूला वन प्लस वन टू और अपॉन टू देखो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है थ्री एक्स वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी लॉग एक्स अब देखो इसकी क्या होगी एक्स रेस्ट पर माइनस टू की हो जाएगी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन तो कितना आएगा x रेस्ट पर माइनस वन अपॉन माइनस वन ये माइनस ऊपर और देखो ये x इनवर्स नीचे आ जाएगा ये बनेगा वन बाय एक्स तो इसकी इंटीग्रेशन क्या माइनस वन बाय एक्स तो माइनस पहले का है तो ये हो जाएगा प्लस सेवन बाय एक्स ए रेस्ट पर x की इंटीग्रेशन क्या होती है ए रेस्ट पर x की इंटीग्रेशन होती है ए रेस्ट पर x अपॉन लॉग ए तो आ जाएगा ए रेस्टो पर x अपॉन लॉग ए प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू दिया है हमारे पास इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे हम इसको ना रैशलाइज करेंगे क्या करेंगे रैशलाइज वो देखो कैसे पहले तो इसको लिख दो कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स इन में देखो क्या करना है साइन चेंज करना है वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई ये बनेगा कॉस एक्स इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस कॉसकेयर एक्स अपॉन देखो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वन का स्केयर माइनस कॉस केयर एक्स ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा हमने ये पढ़ा ना साइंस केयर एक्स प्लस कॉस केयर एक्स इक्वल टू वन तो ये वन का स्केयर तो वन हो जाएगा ना तो हमें चाहिए वन माइनस कॉस केयर एक्स तो कॉस को उधर ले जाओ साइंस केयर एक्स अपॉन वन माइनस कॉस केयर एक्स तो वन माइनस कॉस केयर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा वो हो जाएगा साइंस केयर एक्स ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या करो इनको अलग अलग करेंगे देखो ये बनेगा कॉस एक्स अपॉन साइंस के एक्स माइनस इसको इसके नीचे ये बनेगा कॉस के एक्स अपॉन साइंस के एक्स डी अब देखो इसके पास है दो साइन एक्स मतलब ऐसा है ये कॉस एक्स दो साइन मतलब इसको लिख सकते हैं ना साइन एक्स इंटू साइन एक्स अब कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट एक्स और यहाँ पे है वन बाय साइन एक्स वन बाय साइन एक्स कॉसैक्स इसको इंटीग्रेशन भी अलग अलग दे देते हैं माइनस और ये है कॉस बाय साइन कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट कॉस बाय साइन क्या हो जाता है कॉट अब कोसेक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस एक्स और कॉट स्केयर एक्स की कॉट केयर एक्स की होती है माइनस कॉट स्केयर एक्स की सच इंटीग्रेशन नहीं होती ना तो क्या करेंगे कॉट केयर एक्स के लिए देखो इंटीग्रेशन नहीं होती मैंने पहले भी बताया तो वन प्लस कॉट केयर एक्स का फॉर्मूला होता है कोसेक केयर एक्स ठीक है तो हमें चाहिए कॉड्स्केयर एक्स तो इस वन को उधर ले जाओ तो कॉट स्केयर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक स्केयर एक्स माइनस वन ठीक है अब करो इसकी इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स कोसेक स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स तो माइनस पहले का नहीं यहां माइनस माइनस प्लस अब देखो ये माइनस माइनस ये भी हो जाएगा प्लस और ये बनेगा वन डी एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री टी का क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री का है मैंने एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री करवाई हुई है तो मैं नीचे इसका लिंक डाल दूंगा अगर आपको देखना होगा तो एक वहां से क्वेश्चन देख सकते हो अब आ जाओ इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पे देखो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर दिया थ्री साइन एक्स माइनस फोर कॉस एक्स प्लस फाइव अपॉन कॉस स्र एक्स माइनस सिक्स अपॉन साइन स्केयर एक्स प्लस टैन स्केयर एक्स माइनस कॉट स्केयर एक्स डी एक्स तो देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे थ्री बाहर निकाल लो अलग अलग इंटीग्रेशन दे रहा हूँ ये हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स फिर यहाँ से फोर बाहर निकाल लो कॉस एक्स डी एक्स फाइव बाहर निकाल लो अब देखो वन बाय कॉस क्या होता है वन बाय कॉस होता है सेक यहाँ से माइनस सिक्स बाहर वन बाय साइन होता है को सिक्स स्केयर एक्स अब देखो यहां पे बचा टैन स्केयर एक्स और कॉड स्केर एक्स टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती तो टैन स्केयर एक्स की इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं हम टैन का फॉर्मूला होता है ना सिक्स स्यर एक्स ये वाला फॉर्मूला वन प्लस टैन स्केयर एक्स इक्वल टू सिक्स स्केयर एक्स तो यहाँ से टैन स्केयर एक्स क्या आ जाएगा सिक्स स्केयर एक्स माइनस वन ठीक है और प्लस इसी तरह कॉड स्केर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है ये वन है ठीक है कॉड स्केयर एक्स का फॉर्मूला होता है कोसेक्स केयर एक्स माइनस वन डी एक्स कॉड्स केयर एक्स की भी इंटीग्रेशन नहीं होती ठीक है तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस थ्री कॉस एक्स कोस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स फिर सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स ये हो जाएगा प्लस अब देखो जब इनकी ब्रैकेट्स खुलेंगी ना तो ये माइनस वन और ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो जाएगा तो सेक्स के एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स और माइनस को सेक्स केयर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स तो ये हो जाएगा प्लस कॉट एक्स ठीक है अब कुछ नहीं करना यहां लिखो माइनस थ्री कॉस एक्स माइनस फोर साइन एक्स फाइव टैन एक्स और टैन एक्स कितना हो जाएगा फोर टैन एक्स सिक्स कॉट एक्स माइनस काट एक्स हो जाएगा फाइव फाइव काट एक्स प्लस सी ये आ गया इसका आंसर यहाँ पे एक छोटी सी गलती होगी इसको ठीक कर लेना ये माइनस कोस एक्स स्केर एक्स था ना तो माइनस माइनस uh, तो था कोस सेक्स केयर एक्स की माइनस कॉट एक्स होती है तो यह जाएगा प्लस और फाइव टैन एक्स और टैन एक्स हो जाएगा सिक्स टैन एक्स और सिक्स कॉट एक्स और कॉट एक्स हो जाएगा सेवन कॉट एक्स ये आया इसका है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव है हमारे पास इफ़ एफड एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स स्कीयर एंड एफ ओ वन इक्वल टू फाइव फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स देखो अगर आप एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करो ना इंटीग्रेट करके एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन होती है एफ ऑफ एक्स ठीक है तो देखो कैसे x माइनस इसको ना ऊपर ले जाओ ये बनेगा x माइनस टू ठीक है अब क्या करो इसकी इंटीग्रेशन करो इंटीग्रेट बोथ साइड तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस टू डी एक्स अब देखो एफ डैश एक्स की इंटीग्रेशन मैंने क्या बताई एफ ऑफ एक्स और यहाँ है एक्स की पावर वन तो क्या हो जाएगा x टू बाई टू यहाँ देखो क्या एक्स की पावर माइनस टू तो वो हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन तो कितना हो जाएगा x माइनस वन अपॉन माइनस वन ये माइनस ऊपर और x इनवर्ट नीचे तो यह आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सी ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है फाइव अब एफ ओ वन दिया हुआ है हमारे पास फाइव अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पे एक्स की जगह वन डालना है तो ये आ जाएगा वन वन और सी और ये दिया हुआ है इक्वल टू फाइव ठीक है तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो ये कितना हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन कितना हो गया माइनस वन बाई टू और इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस वन बाय टू तो फाइव टू जै टन टेन प्लस वन इलेवन बाई टू अब क्या करो ये जो सी की वैल्यू आई ना यहाँ डाल दो तो आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सकेयर बाय टू माइनस वन बाय एक्स प्लस सी की वैल्यू एलेवन बाय टू ये आ गया इसका आंसर अब बाकी जितने भी क्वेश्चन इसके बचे ना सेम इसी मैथड से कर लेना तो सबके आंसर आ जाएंगे